हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं रीना नांदल, और बहुत टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही, मीन्स व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो बार बार कमेंट आ रहे थे लोगों के। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत टाइम से ना एक ही काम कर करके मैं बोर हो गई थी। मीन्स ऐसा होता है ना कि रूटीन में सेम काम करते रहो तो कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक चाहिए होता है उस चीज़ के लिए। तो आप यही सोच सकते हैं कि थोड़ा टाइम मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया है, और आज कुछ लगा आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। व्लॉग नहीं है आज भी। अभी मैं जस्ट स्कूल से आई हूँ, और आज मैं सुबह ये साड़ी पहन के गई थी। पहले मैं आपको साड़ी का लुक दिखा देती हूँ, कैसी पहनी हुई है, मीन्स लग रही है ये लुक वाइज। ये बिल्कुल सिंपल डेली यूज़ की साड़ी है, और जब हमें डेली वियर में साड़ी पहनना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मीन्स सुबह सुबह ऑफिस जाते टाइम इतना टाइम नहीं होता कि साड़ी की प्लीट्स बनाओ और ये वो, या फिर पहनते हैं तो वो उल्टी सीधी पहनी जाती है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, और बिल्कुल प्लेन सिंपल लाइट वेट साड़ी है ये। तो इस टाइप की साड़ीज़ को आप डेली यूज़ में कैसे पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं, और कम टाइम में आप साड़ी कैसे कैरी कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी मैंने इस साड़ी को पहन लिया है, लेकिन पहनने से पहले इसका जो लुक था वो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी भी, और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे मैंने इस साड़ी को रेडी टू वियर बना रखा है। मतलब ये नॉर्मल वाली साड़ी थी और घर में ही मैंने इसको कर रखा है, तो हर कोई घर में कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा मोटा सा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे नॉर्मली जैसे हम साड़ी पहनते हैं वैसे आप साड़ी पहन लीजिए, और उसके बाद ये जो हमारी यहाँ पे प्लीट्स होती हैं उनको बाहर निकाल के और पिनअप कर लीजिए, पिन लगा लीजिए, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पहले मैंने यहाँ पे भी प्लीट्स बना के ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगा रखी थी, और यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा रखी है। तो जब भी मुझे पहननी होती ना, मुश्किल से 1 or 2 मिनट्स में मैं साड़ी कैरी कर लेती हूँ। ना मुझे प्लीट्स जचानी पड़ती, ना मेरी प्लीट्स छोटी बड़ी होती हैं, ना उनको ठीक करना पड़ता है या सेट करना पड़ता है, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी सेट करके मैंने उस पर प्रॉपर एक सिलाई लगा दी है अपनी कमर का साइज़ लेके। मतलब नॉर्मली जैसे साड़ी पहनते हैं प्रॉपर अच्छे से साड़ी पहन के सेट करके, उसके बाद इसमें पिन आपको लगानी है, और फिर जहाँ पे पिन है प्रॉपर उसको फैला के सभी प्लीट्स को बराबर करके एक सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। वो सिलाई कैसे लगेगी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ के लिए भी आपको चाहिए तो सेम आप पल्लू के लिए जैसे प्लीट्स बनाते हैं ऐसे करके आप प्लीट्स बना लीजिए, और जहाँ पे आपको यहाँ पिन लगानी है तो आप वहीं पे सिलाई लगा दीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ की सिलाई दिखनी नहीं चाहिए तो आप कोई यहाँ पे पैच लगा सकते हैं, ब्रोच लगा सकते हैं, या कोई लेस लगा सकते हैं। मैंने इस पे लेस लगाई हुई थी, जैसे ये लाइनिंग का डिज़ाइन है इसमें, तो इसी तरह से मैंने गोटे पट्टी की एक लेस लगाई हुई थी सिल्वर कलर की, जो इसके बिल्कुल मैच होती थी, बट अब मैंने हटा रखी है क्योंकि मैंने कुछ टाइम वो पहनी, अब मुझे खुले पल्ले में पहननी थी तो मैंने इसलिए उसको हटा दिया है। और यहाँ की जो प्लेट्स पे सिलाई लगा रखी है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो आज की इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, व्लॉग्स आगे डालूँ ना डालूँ वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये है साड़ी, और ये मैंने बना रखी हैं इसकी प्लीट्स, अभी क्लोजअप में दिखा देती हूँ। 3, 4, 5, 6 छः प्लीट्स हैं ये, और अच्छे से सेट है ये। बिल्कुल यहाँ से ना देखिए क्रीज बिल्कुल जमी हुई है, और ये मैंने सिलाई लगा रखी है। यहाँ से थोड़ी सी सिलाई निकल भी गई है क्योंकि मैं कई बार पहन चुकी हूँ इसको, बट फिर भी ये फिक्स है यहाँ तक, पीछे से भी देख लीजिए। और ये जो प्लीट्स हैं मेरी सारी इक्वल हैं, ऊपर से भी देखिए और यहाँ से भी, और इस साइड से तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। यहाँ से मीन्स
आपको जहाँ पे सेट करनी है ना वहीं पे सेट करके यहाँ पिन लगा लीजिए, इसमें ऐसे पूरी प्लेट्स में पिन लगा लीजिए यहाँ पे। और ये तो शिफॉन की साड़ी है तो जल्दी सेट हो गई थी, कॉटन की है या कोई और कपड़ा है ऐसा जो अच्छे से सेट नहीं हो पाता जल्दी से, तो आपको क्या करना है इस पर प्रेस मार लेनी है यहाँ पे पिन लगा के, फिर से एक बार बेड पे फैला के इसको प्लीट्स को ठीक कर लेना है, नीचे तक ठीक कर लेना है पूरा। और उसके बाद जहाँ आपकी सेटिंग होती है वहाँ पे आपको ऐसे सिलाई लगा देना है, और इससे वॉश करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ड्राई क्लीन में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी को बना सकते हैं, रेडी टू वियर कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला जो पोर्शन बचा है मीन्स कमर वाला जो हिस्सा होता है इसमें आप प्लास्टिक डाल सकते हैं। मैंने एक हुनर की साड़ी बनाई थी और उसमें मैंने यहाँ पे कमर में प्लास्टिक डाली हुई थी। प्लास्टिक कैसे डलेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे ये इसमें ये इतना पोर्शन है सिलाई से ऊपर और ये ऑलमोस्ट यहाँ तक पेटीकोट के अंदर चली जाती है, तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करके मीन्स ऐसे नाप के ऐसे इसमें प्लास्टिक डाल सकते हैं। अब देखिए ये जो फैब्रिक मुड़ गया इसमें इजीली ऐसे फोल्ड हम करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक डल जाएगा और ये जो जॉइंट बनता है यहाँ पे वो प्लास्टिक या तो हम उसको सील देंगे या फिर आपस में प्लास्टिक को अटैच कर देंगे, तो ये इजीली हमारी साड़ी रेडी हो सकती है। मीन्स घर पे ही आपको टेलर से कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें ज़रूरी नहीं है आपको सिलाई आए क्योंकि ये कोई भी ऐसा काम नहीं है, कटिंग स्टिचिंग का नहीं है, सिर्फ एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई मशीन से नहीं करना चाहते, आपको सिलाई नहीं आती या फिर मशीन नहीं है आपके पास, तो आप इसको हाथ से स्टिच कर सकते हैं या फिर प्रॉपर इसको पिन लगा के रख सकते हैं। पिन थोड़ा सा ये है कि अगर बाई चांस खुल गई तो वो चुभने का डर रहता है, तो यहाँ से आप कवर करके इसमें प्लास्टिक डाल सकते हैं जिनको बिल्कुल भी साड़ी पहननी नहीं आती। तो ये आइडिया मेरा आज का कैसा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ तो कैसी लगी वो ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।